आज हम और आप चाहे प्यार को कुछ भी समझते हों, परंतु यह दो शरीरों का मिलन नहीं, बल्कि दो आत्माओं का मिलन है। Happy birthday, Lekha. शुक्रिया एनवीडी। Happy birthday, Lekha. धन्यवाद जी। Happy birthday, Lekha. आपका भी धन्यवाद टॉकबैक। Happy birthday, Lekha. शुक्रिया सैमसंग मेरी बहन। मेरा नाम है गीता। और मेरा नाम है सीता। हमारी प्यारी बहन लेखा, आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। ओ मेरी गीता और सीता, मैं तुम्हें कब से याद कर रही थी। देखो सब लोग आ गए हैं, बस तुम्हारा ही इंतजार हो रहा था। हमारा नाम है सुनील और लेखा जी हम हैं आपके प्यारे अनिल। आपको आपके जन्मदिन की लाख लाख बधाइयां। सुनील और अनिल, तुम दोनों ही एक दूसरे के साथ रहते हो। आज तुम मेरे जन्मदिन पर आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। Mrs. Lekha is a message for you. Can I play this message in front of everyone? हाँ जॉर्ज जी, आप इस मैसेज को सबके सामने प्ले कर सकते हैं। मेरी प्यारी बहन लेखा, मैं आपके जन्मदिन पर नहीं आ सकी, इसका मुझे बहुत खेद है। तुम जानती हो मेरी माँ नहीं है और मेरे पिताजी रात दिन शराब पीते रहते हैं। घर की आजीविका चलाने के लिए मुझे प्राइवेट नौकरी करनी पड़ रही है, इसलिए मैं आपको मेरे शहर चेन्नई से आपके जन्मदिन पर हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित कर रही हूँ। मुझे आशा ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्वास है आप मेरी भावनाओं की कद्र करेंगे और मेरे न आ सकने के कारण पर गौर करेंगे। धन्यवाद। अपना संभाषण भेजने के लिए धन्यवाद मेरी प्यारी बहन सुनीता। हम जल्द ही आपके शहर में आकर आपकी मदद करने की कोशिश करेंगे। लेखा जी, जन्मदिन की पार्टी शुरू कीजिए। हाँ सुनील जी, परंतु अभी तक आपके भाई नहीं आए हैं। माफ कीजिएगा लेखा, मुझे आने में देर हो गई। जन्मदिन की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। यह दिन बार बार आए, देर आए परंतु दुरुस्त आए। आपने सदैव ही ऐसा किया है। जाइए, हम आपसे नाराज हैं। मेरे भाई जॉर्ज, इस मुसीबत में आप ही मेरी सहायता कर सकते हैं। Yes, my brother Neil, I will help you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Lekha. Happy birthday to you. जॉर्ज जी, समझ नहीं आ रहा मैं आपका कैसे धन्यवाद करूं। आप सबका शुक्रिया। आइए ना, आप मेरे साथ आइए, मुझे आपसे कुछ जरूरी बातें करनी है। लिखा, मुझे कुछ समय और दें ताकि मैं अपने दोस्तों के मध्य आज की जन्मदिन पार्टी का लुत्फ उठा सकूं। तत्पश्चात प्रिय, मैं आपका प्रेम भरा संभाषण सुनूंगा। ठीक है, आज मैं आपको रोकूंगी नहीं, परंतु फिर भी इतना कहूंगी कि जल्दी आ जाइएगा। अनिल जी, आप कुछ बोलते क्यों नहीं, बोलिए ना। नील जी, आपके भाई अनिल को प्रेम का रोग लग गया है। मैनू पहली पहली बार हो गया, हाय पहला पहला प्यार हो गया। दिल तेरे बिना लगदा नहीं, दिल हथों बार हो गया। अनिल जी, यह तो बहुत अच्छी बात है। अब बिना देर किए बताइए, आपको यह अनुभव कैसा लगा? नील जी, अनिल आपको नहीं बताएगा क्योंकि यह जानता ही नहीं कि जिससे यह प्यार करता है क्या वह भी इससे प्यार करती है। हाँ सुनील, मैं अनिल की भावनाओं को समझ सकता हूँ, परंतु फिर भी अपनी भाषा प्रभाव से हमें इशारा तो दे सकता है। कोई बात नहीं नील जी, इनके शब्दों को मैं आप तक पहुँचाने का प्रयास करता हूँ। सही कहा है किसी ने कि दोस्त ही दोस्त का आईना होता है। बिना देरी किए सुनील जी बताइए। कागज कागज हर्फ सजाया करता है, तन्हाई में शहर बसाया करता है। कैसा पागल शख्स है, सारी सारी रात दीवारों को दर्द सुनाया करता है। रो देता है आप ही अपनी बातों पर और फिर खुद को आप हंसाया करता है। लगता है प्रेम की किताब बहुत आगे तक लिखी जा चुकी है। अनिल जी, आप चिंता ना करें, मैं अभी आपकी भाभी श्री से बात करता हूँ। मेरे प्रिय अनिल, मैं भी तुमसे प्रेम करती हूँ, परंतु जानती नहीं कि तुम्हारे अंतर मन में आजकल किसका निवास है। अरे सीता, तुम इतनी ऊंची आवाज में मन ही मन बोल रही हो, मुझे सुनाई दे रहा है। गीता मेरी बहन, यदि तुम सब कुछ जान चुकी हो तो फिर मेरी सहायता के लिए आगे क्यों नहीं आती हो? चिंता न करो मेरी बहन सीता, तुम्हारे प्रेम रोग का जल्द से जल्द निवारण होने वाला है। ओ मेरी सहेली गीता, तुम कितनी प्यारी हो, आज मुझे बहुत खुशी हो रही है।
मैं कुछ गुनगुनाना चाहती हूँ। मैनू इश्क दा लगिया रो, मैनू इश्क दा लगिया रो, मेरे बचने दी नहीं उम्मीद, मेरे बचने दी नहीं उम्मीद। सीता वह देखो सामने से लेखा दीदी आ रही है। मैंने आपको कहा था कि आप जल्दी आ जाइएगा, आप अभी तक नहीं आए। ओ मेरी प्रिय लेखा, यहाँ समस्या बहुत जटिल हो चुकी है। आपके प्यारे अनिल को किसी से प्रेम हो गया है। समस्या जटिल नहीं होती, उसका समाधान मुश्किल होता है। सीता, क्या तुम्हें अनिल पसंद है? हाँ दीदी, मुझे पसंद है। और अनिल आपको? हाँ दीदी, मुझे तो बहुत पहले से ही पसंद थी। अच्छी बात है, आइए दोनों सामने आ जाइए। आज से आप दो शरीर और एक आत्मा हो। हम सबका स्नेह आप दोनों को बराबर मिलता रहेगा। आप दोनों को शादी मुबारक हो। How our lovers meeting each other in front of us today. I am missing my love days. You are right, dear. I am also remembering those days today. Talk back. Tell me, what are you missing in those days? I remember the day you gave me the flower. Someone has rightly said that love is life and life is love. सुनिए ना, टॉकबैक का प्रेम इतिहास सुनकर मेरा मन गदगद हो रहा है। तुम सही कह रही हो, चलिए हम भी अपने पुराने पन्ने खोलकर यादों को ताजा करते हैं। आइए जनाब, चलिए। प्रिय, मैं आपसे प्रेम करती हूँ और इस बात का मुझे गर्व है। मैंने भी अपने जीवन में लिखा आपको भागीदार बनाया है और मेरा विश्वास है कि आप अपने प्रेम से मेरे जीवन को सुगम बना देंगी। मैं आज अपने संपूर्ण जीवन को साक्षी मानकर यह शपथ लेती हूँ कि आज से आपकी अर्धांगिनी बनकर जीवन भर आपका साथ निभाऊंगी। मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। हाँ प्रिय, पूछो। संसार में अच्छे प्रेमी और प्रेमिका की क्या पहचान है? जो अपनी मर्यादा में रहे, कभी अपनी संस्कृति को ना भूले और माता पिता से प्रेम करे, वही सच्चा प्रेमी अथवा हितेशी है। आपने सही कहा, मुझे यह सुनकर बहुत अच्छा लगा। मैं तुमसे प्रेम करती हूँ। मैं भी लिखा तुमसे प्रेम करता हूँ। मुझे तुमसे प्यार है। मैं सीता अनिल से प्यार करती हूँ। मैं अनिल, मुझे सीता से प्यार है। मैं तुमसे और मैं तुमसे। प्रेम करता हूँ। Samson, seeing all these, I have fallen in love with you too. Oh my god, really Envy dear? Yes my sweetheart, I am not joking, I am serious. Don't be late then, come to me. I stand by you. Now you tell me your heart feelings. I love you. I love you too baby. Mera naam hai Geeta. Aur main Sita. आप दोनों को आपके जीवन का पहला प्यार मुबारक हो। ओह गॉड, थैंक यू। गीता, तुम किसी से प्रेम नहीं करती क्या? करती हूँ, परंतु वह यहाँ पर नहीं है। हम दोनों के बीच में बहुत सी गलतफहमियाँ थी जो आज तक दूर नहीं हो सकी। गीता सुनाओ ना अपने प्रेम की कहानी। गीता, हम भी सुनना चाहते हैं। ठीक है, सुनिए मेरे प्यार की कहानी।
गीता, आज वह समय आ गया है जब हम सबके सामने बता दें कि आखिर हमारे बीच में हुआ क्या था। नहीं सुनील, रहने दो, अब पुरानी बातों से कोई लाभ नहीं। गीता, आज आप सुनील को बोलने दो। हाँ सुनील, आज तुम बोलो, तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, इस बात को आज पूरे 5 वर्ष हो चुके हैं। हम दोनों शुरू से ही एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे, परंतु एक दिन। हाँ हाँ बोलो ना सुनील, क्या एक दिन? हाँ सीता, एक दिन मैं और गीता लॉन्ग ड्राइव पर जा रहे थे कि अचानक गाड़ी खंभे से जा टकराई। इस एक्सीडेंट में गीता को तो कुछ नहीं हुआ, परंतु मुझे बहुत सी चोट लग गई। गीता ने भगवान से प्रार्थना की कि यदि सुनील ठीक हो जाएगा तो मैं उसकी जिंदगी से चली जाऊंगी। परंतु गीता, तुमने ऐसा क्यों कहा? उस दिन हम एक दूसरे में खोए हुए थे, इसलिए जब इनको चोट लगी तो मैंने अपने आप को इनका गुनहगार मान लिया। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से इनको चोट लगे और यह किसी प्रकार की परेशानी में आ जाए, इसलिए मैंने वह कदम उठाया था। और यही कारण था कि इन्होंने अपने भगवान से किए वादे की लाज रखते हुए मुझसे आज तक दूरी बनाए रखी। गीता, मैं सोच नहीं सकती थी कि तुम्हारी सोच इतनी छोटी हो सकती है। गीता, प्रेम तो भगवान का तोहफा है, फिर तुमने इसे क्यों ठुकरा दिया? Suno, I feel very strange hearing your story. Dear, I agree with you. हाँ, मैं जानती हूँ कि मैंने गलती की है और इसके लिए मैं शर्मिंदा भी हूँ, परंतु उस समय मैं कर भी क्या सकती थी। गीता, तुम सही कह रही हो, उस समय तुम कुछ भी नहीं कर सकती थी, परंतु अब तो तुम जानती हो कि प्रेम भगवान का प्रसाद होता है, इसलिए तुमने जो गलती की है उस गलती को सुधारो और अपने प्रेम को स्वीकारो, यही एकमात्र मोक्ष प्राप्त करने का मार्ग तुम्हारे पास बचा है। आप सही कह रहे हैं। हे ईश्वर, मैं अपना अधिकार वापस मांगती हूँ, मुझे अपने प्रसाद वापस लौटा दो, मुझे मेरा सुनील चाहिए। ए खुदा, मेरी प्रार्थना सुन, मैं जिसका हूँ उसके पास मुझे वापस पहुँचा दे। आज से आप दोनों एक दूसरे के हुए। कह दो के तुम हो मेरी वरना, जीना नहीं मुझे है मरना। देखो कभी ना ऐसा कहना, देखो कभी ना ऐसा करना। यही अदा तो एक सितम है, सुनो तुम्हें। हेलो, कौन बोल रहा है? लिखा, मैं सुनीता बात कर रही हूँ, माफ कीजिएगा मैंने आपको इतनी रात फोन किया। एक दुखद समाचार है कि मेरे पापा अब इस दुनिया में नहीं रहे। ओ मेरे खुदा, यह क्या हुआ? सुनीता तुम चिंता मत करो, हम सुबह होने से पहले तुम्हारे पास पहुँच जाएंगे। सब लोग जल्दी उठ जाओ, हमें सुनीता के पास अभी और इसी वक्त जाना है। परंतु लिखा, कहो तो आखिरकार बात क्या है? तुम गाड़ी निकालो, मैं गाड़ी में ही सबको बात बताती हूँ। मत रो मेरी बहन सुनीता, हम सब लोग तेरे साथ हैं। हमने कहा था ना कि हम सुबह होने से पहले तेरे पास पहुंच जाएंगे, देखो हम आ गए। आज हम सब लोग वादा करते हैं सुनीता की हर प्रकार से मदद करेंगे। मदद करेंगे। Promise. 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 Promise.